सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस लर्न एट एवरी सेकेंड। सो आज हम लोग देखेंगे सेशन 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे बनाते हैं। ओके, तो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस टेंस में भी देखा कि मैंने आपको चार तरह का फॉर्म बताया था एक सेंटेंस का, कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको हम चार हिस्से में तोड़ सकते हैं। और वो क्या है भाई? वह अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। तो हर एक सेंटेंस का चार पार्ट होता है, जस्ट लाइक मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साउंड क्या है सेंटेंस का, कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, वो एक खत लिख रहा है, ठीक है, मैं अपने पापा को कॉल कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेसिकली क्या बताता है कि हर वो काम जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। ओके, सो इस तरह उस सेंटेंस को अगर चार पार्ट में तोड़ा जाए तो क्या होगा? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली हर एक सेंटेंस का चार पार्ट होता है, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वो एग्जाम्पल है कि आप स्कूल जा रहे हो, तो ये हो गया अफर्मेटिव। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ये वो हो गया नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में पहले क्या का आवाज़ लाना पड़ता है सेंटेंस के। सो इसमें हम बोलेंगे क्या आप स्कूल जा रहे हो, जिसमें आपको यस नो में आंसर देना है। और ये हो गया WH। WH में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, W में चार वर्ड है, वट, वेयर, वाई, वेन, और H में एक वर्ड है हाउ। ये मैं बाद में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हम पांच तरह का साउंड निकाल सकते हैं, कि आप स्कूल क्यों जा रहे हो, आप स्कूल कब जा रहे हो, आप स्कूल कैसे जा रहे हो, आप स्कूल कहाँ जा रहे हो। सो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरी सिंगल सेंटेंसेस। ओके, सो हर एक सेंटेंस को हम लोग चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। वो चार पार्ट क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, WH। तो चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहे, ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है पूरे अच्छे से क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। सो ये फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि हम लोग ये एक्शन सेंटेंस सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में कोई तो होगा जो एक्शन कर रहा होगा, तो जो एक्शन कर रहा है उसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट में। ओके, सब्जेक्ट को देख करके इज एम आर लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर ही शी इट रहा तो इज लिखेंगे, सब्जेक्ट में अगर आई रहा तो एम लिखेंगे, सब्जेक्ट में अगर दे यू वी रहा तो आर लिखेंगे हम, ठीक है। वर्ब क्या है भाई? वर्ब का भी मैंने पार्ट सर्विस में आप लोगों को बता दिया था कि वर्ब का पांच फॉर्म होता है, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव। वर्ब फोर का माने क्या है? हर वो वर्ब जिसमें आईएनजी लगता हो, जैसे कि कमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉचिंग, कॉलिंग। ओके, एन ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या माने हुआ भाई? मैं मार्केट जा रहा हूँ। सो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका माने क्या है? हर वो काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, अफर्मेटिव देख रहा हूँ हम लोग। तो इस फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करके सेंटेंस बनाते हो तो वो सेंटेंस किस में बनेगा भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आपको ऐसा कोई सेंटेंस बताना है जो प्रेजेंट में भी काम हो रहा है, उस सेंटेंस को बताने के लिए आपको इसी फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो देखो सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा? जो काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट का माने क्या होता है? मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे? मैं कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट में आगे आए। आई आई के साथ क्या लगेगा भाई? इज एम आर, तीन तीन में से आपको एक चूज करना है। तो आई के साथ क्या लगेगा? देखो मैंने लिख दिया, आई के साथ एम लगेगा। तो आई एम, सब्जेक्ट का काम खत्म। इज एम आर में से मैंने आर ले लिया, इसका काम खत्म। क्या बचा? वर्ब फोर क्या है? गोइंग, गोइंग टू क्या? गोइंग टू मार्केट। ओके, सो ये हो गया आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, देखो हम लोग जितना भी सेंटेंस है ना, इसी फॉर्मूला को फॉलो करके ही बनाना है हम लोगों को, तब जाकर के सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, मतलब काम जो अभी हो रहा है, राइट। देखो शी इज बाइंग अ बुक, वो एक किताब खरीद रही है। तो किताब कौन खरीद रहा है भाई? वो, इसलिए मैंने शी को पहले लिखा। फिर शी को देख करके इज एम आर में से क्या लगेगा? देखो शी के साथ इज है, तो शी इज बाइंग अ बुक, व फॉर बाइंग अ बुक, वो एक किताब खरीद रही है। इसी के साथ साथ वी आर वॉचिंग वीडियोज, दे आर कॉलिंग मी, मतलब वो लोग मुझे बुला रहे हैं। यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो हर वो सेंटेंस जो अभी काम कर रहा है प्रेजेंट में, उसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला को फॉलो करके बनाना है, राइट। सो चलते हैं नेगेटिव के तरफ, जिसमें हम लोगों को नहीं का आवाज़ लगाना है। जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ बोला ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो हम लोगों को नेगेटिव में क्या बोलना होगा? मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ।
इसी तरह शी इज बाइंग अ बुक, वो किताब खरीद रही है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो किताब नहीं खरीद रही है। ओके okay? तो चलते हैं नेगेटिव की तरफ। सो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी है। सो हम लोगों ने अफर्मेटिव में क्या फॉर्मूला देखा, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। ओके सो हम लोगों को फॉर्मूला में दो के बाद नॉट लगा देना है, वो क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव। देखो ये फॉर्मूला ना, एक ये हुआ, दो ये हुआ, तीन ये हुआ, चार ये हुआ, पांच। ओके सो पांच चीज को मिला करके मैंने एक फॉर्मूला बनाया है नेगेटिव का। ओके सो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट, जो कि नॉट को अगर मैं हटा दूँ तो ये बन जाएगा आपका अफर्मेटिव, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है। लेकिन एक दो के बाद अगर आप नॉट लगा दो तो ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, वो नहीं जा रहा है, वो नहीं खा रहा। इसलिए देखो एग्जाम्पल सेंटेंस जो है ना, मैंने चेंजेस नहीं किया कुछ, सिर्फ क्या एक दो के बाद मैंने नॉट को ऐड कर दिया। ओके देखो एक दो के बाद नॉट को ऐड कर दिया, तो जो सेंटेंस का एग्जाम्पल मैंने अफर्मेटिव में आपको लिखाया था, अगर आप यहाँ से नॉट को हटा दो वही सेंटेंस है, ठीक है। और एक दो के बाद अगर आप नॉट लगा देते हो तो ये बन जाता है नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे सकते हैं नेगेटिव का, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, जिसका माने क्या होता है, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। शी इज नॉट बाइंग अ बुक, वो किताब नहीं खरीद रही है। ओके वी आर नॉट वॉचिंग वीडियोज, हम लोग वीडियोज नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट कॉलिंग मी, वो लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं। एंड लास्टली यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द क्लास, सॉरी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। ओके सो यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द क्लास, तुम क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। सो ये है बेसिक सा नेगेटिव, जिसमें हम लोगों को दो के बाद नॉट लगाना है, और अफर्मेटिव नेगेटिव में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है भाई के सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हम लोगों को नॉट ऐड कर देना है, वो बन जाएगा नेगेटिव। एंड एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों यहाँ पे, कि वीडियोज के एंड में ना जस्ट आप थोड़े देर बने रहना, जिसमें मैं आपको एक फॉर्मूला को चार में कैसे तोड़ते हैं उसका ट्रिक बताऊंगा। ओके सो चलते हैं इंट्रोगेटिव के तरफ, बात करते हैं इंटरोगेटिव का, जिसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में आवाज़ क्या चीज़ का आएगा, क्या का। जैसे हम सवाल करते हैं ना किसी से, जैसे कि क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पार्क जा रहे हो, क्या वो मुझे बुला रहा है, तो ये क्या होता है भाई, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस उसको बोलते हैं। और हर वो सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में क्या का आवाज़ आए उसे इंटरोगेटिव बोला जाता है। ओके सो इंटरोगेटिव में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अच्छा सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं, तो देखो इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले है, ओके देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो देखो फॉर्मूला कितना ईजी है, आप अफर्मेटिव के फॉर्मूला से इंट्रोगेटिव बना सकते हो, जस्ट लाइक टू स्टेप फॉलो करके। हाँ अगर आप सब्जेक्ट को इधर कर दो और इस इज एम आर को इधर कर दो, तो देखो ये फॉर्मूला अफर्मेटिव का हो जाएगा। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हमने सेकेंड में कर दिया और इज एम आर को पहले कर दिया, तो क्या बन गया वो इंट्रोगेटिव। ये देखो इज एम आर को पहले कर दे, सब्जेक्ट को इधर कर दे, बाकी फॉर्मूला सेम है आगे का। सो इस तरह हम लोग इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बना सकते हैं। खैर मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा चार फॉर्मूला बनाने कैसे हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो आर यू कॉलिंग मी, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देना मैंडेटरी है, मस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चनेबल सेंटेंस है, राइट। सो आर यू कॉलिंग मी, इसका माने होता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो, इज शी टीचिंग यू, क्या वो तुम्हें पढ़ा रही है, एम आई टेलिंग यू, क्या मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा है, एंड लास्टली आर वी गोइंग टू पार्क, क्या हम लोग पार्क जा रहे हैं। सो एक चीज़ याद रखना कि इंटरोगेटिव का सेंटेंस जब भी बोला जाए ना, इसका आंसर हम लोगों को येस सर नो में देना होता है, राइट। जस्ट लाइक आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा, येस और नो, हाँ बुला रहा हूँ या फिर नहीं नहीं बुला रहा हूँ, सो येस नो। सो इंटरोगेटिव का आंसर येस नो में बेसिकली दिया जाता है। ओके सो चलते हैं लास्ट में, जो कि डब्ल्यू एच वर्ड्स है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस को समझाने के लिए मैं वीडियोस को स्किप नहीं करूंगा, आपको इसी फॉर्मूला में समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को एक वर्ड एडिशन करना होता है डब्ल्यू एच सेंटेंस में। ओके सो देखो ये था फॉर्मूला किसका, इंटरोगेटिव का, और जिसे फॉलो करके हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स देखे हैं यहाँ पे। ओके सो देखो हम लोगों को एक चीज ऐड करना है, ये डब्ल्यू एच सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे ना हम लोगों को एक वर्ड प्लस कर देना सिर्फ स्टार्टिंग में, क्या है वो, डब्ल्यू एच को अगर मैं प्लस कर देता हूँ इस फॉर्मूला में, तो अब ये फॉर्मूला इंट्रोगेटिव से हट करके क्या बन गया, डब्ल्यू एच वर्ड्स। ओके सो देखो जिस तरह इसे मैंने भी यहाँ पे ऐड किया, ओके
ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम लोगों ने ये सारी सेंटेंस देखी, ठीक है ना। इसको मैं जस्ट छुपा देता हूं। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम लोगों ने ये सेंटेंस बनाया ना। अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला के स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच को ऐड किया, तो जाहिर सी बात है ना, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक डब्ल्यू एच का वर्ड ऐड कर देंगे हम, तो ये डब्ल्यू एच सेंटेंस में बदल जाएगा। ओके, सो डब्ल्यू एच का माने क्या है देख लो। डब्ल्यू एच में यहाँ पे पांच वर्ड्स आता है। क्या क्या है वो वर्ड्स? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन और हाउ। तो व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये पांच वर्ड्स मिल करके डब्ल्यू एच वर्ड्स बनता है, ठीक है। तो ये पांच में से किसी का एक, किसी एक का भी यूज आप सामने में सेंटेंस का लगा दो, वो डब्ल्यू एच बन जाएगा। जस्ट लाइक देखो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वाई, तो क्या हो गया, वाई आर यू कॉलिंग मी, डब्ल्यू एच सेंटेंस, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। ओके, वाई का साउंड क्या है, क्यों। इसी तरह यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वेयर, वेयर का साउंड क्या होता है, कहाँ। वेयर इज शी टीचिंग यू, वो तुम्हें कहाँ पढ़ा रही है, तो आपको प्लेस बताना है। जब आपसे वाई पूछा जाए तो रीजन बताना, जब आपसे वेयर पूछा जाए तो प्लेस बताना है, कहाँ पढ़ा रही है। इसी के साथ साथ देखो हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ एम आई टेलिंग यू, मैं तुमसे कैसे बोल रहा हूं। ओके, इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ व्हेन। ओके, सो व्हेन इज ही वॉचिंग टीवी, वो टीवी कब देख रहा है, तो यहाँ पे व्हेन जो है वो कब, टाइम पूछता है, टाइम, टाइम के बाद, ठीक है। आर यू, इसी तरह आर वी गोइंग टू पार्क, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ व्हेन, व्हेन का माने कब, व्हेन आर वी गोइंग टू पार्क, हम लोग पार्क कब जा रहे हैं। ओके, सो इंटरोगेटिव भी क्वेश्चनेबल सेंटेंस होता है और डब्ल्यू एच भी क्वेश्चनेबल सेंटेंस होता है। फर्क क्या है दोनों में, कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे सवाल किया जाए तो आप येस नो में जवाब दे सकते हो, बट जब डब्ल्यू एच सेंटेंस में आपसे सवाल किया जाए ना, तो जिस डब्ल्यू एच वर्ड का हम यूज करेंगे उस सेंटेंस में आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, राइट। जैसा कि मैंने वाई बोला तो आपको रीजन बताना है क्यों, वेयर बोला तो आपको प्लेस बताना है, हाउ बोला तो आपको बताना है आपने वो काम कैसे किया है। इसी तरह व्हेन जब मैंने बोला तो आपको टाइम बताना है, जैसा कि व्हेन आर यू कमिंग टू माय हाउस, तुम मेरे घर कब आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे टाइम बताना है, राइट। सो दीज आर द बेसिक फोर डिफरेंट रूल्स, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यू एच। सो हर एक सेंटेंस का चार पार्ट होता है, हर चार पार्ट का हम लोग चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ पे देखे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चार फॉर्मूला बनाने का ट्रिक क्या है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है अफर्मेटिव का, ओके। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखोगे तो आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच बना पाओगे आराम से। तो हर एक फॉर्मूला का चार में कैसे उसको तोड़ेंगे, उसका ट्रिक क्या है। सो ये है अफर्मेटिव, किसका भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, जिसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर वफ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, तो देखो ये फॉर्मूला कितना चीज से मिल करके बना है, एक, दो, तीन, चार, ओके। ये चार चीज मिल करके एक फॉर्मूला बना, तो हम लोगों को ना दो के बाद नॉट लगा देना, वो नेगेटिव बन जाएगा। तो दो के बाद नॉट मतलब एक, दो, इसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर ये वैसे ही कॉपी हो जाएगा। तो देखो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, फिर दो के बाद नॉट ऐड किया, उसके बाद जैसा है वैसे ही उतार देना है, ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इंटरोगेटिव कैसे बनता है, सो अफर्मेटिव को लेकर के चलते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम, ओके। सो देखो अफर्मेटिव में पहले क्या है, सब्जेक्ट, दूसरे में क्या है, ये इज एम आर, ओके। सो इस इज एम आर को हम लोगों को पहले कर देना है, सब्जेक्ट को हम लोगों को सेकेंड में कर देना है, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, हो गया ना, ये इधर ये इधर, और बाकी ये दो को वैसे यहाँ पे कॉपी कर देना है। सो ये क्या बन गया आपका, इंटरोगेटिव, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बात करते हैं डब्ल्यू एच की, डब्ल्यू एच और भी इजी है, कि ये जो फॉर्मूला आपका है इंटरोगेटिव का, ठीक है, ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग में हमको एक डब्ल्यू एच का वर्ड जोड़ देना है, ओके। सो यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ डब्ल्यू पॉइंट एच, डब्ल्यू एच वर्ड, जिसमें पांच वर्ड है, मैंने बताया आप लोगों को, फिर यहाँ पे प्लस करके ये जो फॉर्मूला है ना इंटरोगेटिव का, ये सेम यहाँ कॉपी कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों हो गया डब्ल्यू एच। तो इस तरह से सेंटेंस एक अफर्मेटिव को चार हिस्से में हम तोड़ सकते हैं, जो कि हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच होगा, और हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरलेटेड है,
बस हम लोगों को अफर्मेटिव याद रखना है, उसमें दो के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा, उसमें पहले को दूसरा, दूसरों को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव के स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच का वर्ड जोड़ देंगे तो डब्ल्यू एच बन जाएगा। सो होपफुली वीडियो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको बेसिक से पूरा क्लियर होगा। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई मस्ट ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। ओके सो मिलते हैं सेशन 4 में जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।